एजुकेशन के लिए आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती, अगर मायने भी रखती तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है अगर सुंदरता के लिए बात करते तो शायद आज राष्ट्रपति ना होती। सुंदरता सूरत और सीरत में फर्क करने वालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेहरा सबने देखा, इस चेहरे की चर्चा भी खूब हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ चेहरा देखा और कुछ लोगों ने उसके बियॉन्ड उस लड़की को देखा जो अब इस अटेंशन और ट्रोल की आदि है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर लेती है। हाँ, अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, सेलिब्रिटी बाद में बनूंगी। सीतापुर से भी कुछ 70 किलोमीटर और आगे महमूदाबाद में लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स प्राची के सक्सेस की कहानी बता रही हैं। हम प्राची के स्कूल सीता इंटर कॉलेज पहुंचे। बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन स्कूल के वीसी ने प्राची को इंटरव्यू के लिए वापस बुला लिया। दरअसल खुद प्राची और उसके घर वाले प्राची के लुक्स को लेकर किए जा रहे लगातार सवाल जवाब से थक चुके हैं। उन लोगों ने इंटरव्यू लेने की इजाजत ही सिर्फ इस शर्त पर दी कि हम प्राची की शक्ल नहीं, उसकी अक्ल और कामयाबी की बात करेंगे। दिन भर में यहाँ स्कूल में ही मेरा ज्यादातर टाइम स्पेंड होता था, और फिर घर पर जा कर के अपना जो भी पढ़ना हुआ, जो भी स्कूल में टीचर्स दिया करते थे, क्योंकि 10th पीरियड चलते हैं, अगर आप डेली रिवाइज करेंगे तो 10th का भी पूरा, अगर आप रात तक पढ़ रहे हैं तो भी निकल जाएगी। और फिर होमवर्क करना, मॉर्निंग टेस्ट भी हमारे स्कूल में होते हैं तो उसका प्रिपेयर करना, फिर अपना थोड़ा सा भी टाइम सोना भी है और थोड़ा सा इसमें मम्मी लोगों के साथ भी करना होता है। तो कोई फेवरेट सब्जेक्ट थे? हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ क्यों फेवरेट है? मैथ बचपन से अच्छी लगती है, इसीलिए मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के लिए उतनी बेनिफिशियल होती है। तो मैथ्स में कितने आए थे? मैथ्स में 100 जी। और किसमें वो 9 नंबर कहाँ कम रह गए? जी हाँ, 9 नंबर हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में। भाई लोगों के साथ थोड़ा भी मस्ती कर लेना बस, और फ्रेंड लोगों से बातें करना, फ्रेंड लोगों से और टीचर से भी बातें करना। टीचर से बातें बहुत करती हूँ जो मुझे फेवरेट होते हैं। प्रेशर मेरे पर 10th क्लास में बिल्कुल भी नहीं था। मैं जितना मुझसे हो सकता था मैं उतना पढ़ती थी। ये कोई नहीं था कि हाँ टॉप ही करना है, क्योंकि बस मन में था अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएँ, तो शायद मेहनत अपनी करती थी और टीचर्स का सपोर्ट रहता था और जो भी करना होता था उसको कंप्लीट करती थी बस। लेकिन जिसने सालों से अपने लुक्स को लेकर जजमेंटल नजरों को झेला है, उसने ना ना करके भी खुद ही इस बारे में बात कर ली। सुंदरता सूरत और सीरत में फ़र्क करने वालों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इतना ट्रोल कर रहे थे तो उसके लिए मेरे मन में अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि ना पहले था ना अभी है ना होगा, क्योंकि ये मेरा मानना है। और मैं अपने आप में इतनी मोटिवेटेड हूँ, मेरे फ्रेंड्स और जो टीचर्स थे उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, तो मैं उनके लिए क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन तमाम बातों के बीच एक बात प्राची ने ऐसी भी बोली जिससे उसका खुद सुंदरता को मापने का पैमाना सामने आया। एजुकेशन के लिए आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती, अगर मायने भी रखती तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है अगर सुंदरता के लिए बात करते तो शायद आज राष्ट्रपति ना होती। और उन्होंने जो भी उनके अंदर कर्मठता थी कि हाँ ये मुझे करना है, वो शायद उन्होंने सोच रखा होगा कि हाँ मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो सुंदरता उसमें मायने नहीं रखती कि हाँ ये एक हमारे सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देश के सबसे टफ एजुकेशन बोर्ड्स में से एक यूपी बोर्ड है, इसमें टॉप करना आसान नहीं है, लेकिन लोगों की बदसूरत सोच ने प्राची की खूबसूरत कामयाबी को फीका करने की पूरी कोशिश की, इस हद तक कि प्राची ने ये तक बोल दिया कि एक आध नंबर कम ही आ जाते तो बेहतर होता। हाँ, ये सोचा था कि एक दो नंबर कम होते तो शायद दूसरे लोग भी टॉप कर सकते थे और इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता, कि इतना लोग ट्रोल के मामले में मुझे पसंद नहीं है। सोशल मीडिया कभी मैं स्टेटस भी अपना नहीं लगाती, नहीं मुझे सोशल मीडिया से बिल्कुल पसंद नहीं, बस चला लेती हूँ, बट अपनी फ़ोटो शेयर करना या फिर कोई अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। प्राची ने अपने फ्यूचर के लिए बड़े सपने बुन रखे हैं। एजुकेशन के बारे में सोचा तो है कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे देश में जो देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, अगर सक्षम हो पाई तो शायद उसमें कुछ हेल्प करूँगी बड़े होकर के। अभी तो मैं ही स्टूडेंट हूँ और बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, क्योंकि अब मैं 10th कंप्लीट करी हूँ और 10th एक सीधी रेल की पटरी के जैसा होता है कि टीचर्स ने जैसा दौड़ा दिया दौड़ लिया,
फिर 11th में आते हैं तो उसमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है कि कैसे किधर जाना है। फिर 12th के बाद आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं तो उसमें कंफ्यूज भी रहते हैं हम लोग कि किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, क्योंकि जो अब कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा आगे हो गया है, सभी लोग पढ़ना चाह रहे हैं और IAS खासकर पढ़ना चाहते हैं। तो लोगों से कुछ डिफरेंट करो और इसके बारे में अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, फिर जब मेरे जो मेरा ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाए, फिर जब अपना जो चाहती हूँ वो कंप्लीट हो जाए, फिर मेरा ड्रीम तो अभी तो इंजीनियर है, फिर आगे भी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं उसके साथ में भी कर सकते हैं, बट 12th के बाद मेन IIT। प्राची की अभी वोट देने की उम्र नहीं है, लेकिन जब वो वोट देगी तो किस आधार पर देगी ये भी उसके माइंड में क्लियर है। देश में बेरोजगारी बहुत है कि लोग शिक्षित अब जो पढ़े अनपढ़ लोगों से ज़्यादा तो शिक्षित बेरोजगारी हमारे देश में ज़्यादा फैली हुई है, तो उसको कंट्रोल करना जो लोग सेक्टर में जिस जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा कि जो जो नेता विद्यार्थी के पक्ष में यहाँ काम कर रहा है उसके लिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का मेन फोकस होता है कि उसे सर्विस मिल जाए, तो जो भी नेता उसके लिए काम करता है उसको सभी लोग वोट करना चाहेंगे, खासकर विद्यार्थी। सोशल मीडिया से दूर रहने वाली प्राची भले ही ट्रोल करने वालों से नाराज है, लेकिन कम उम्र में खुद को स्ट्रॉन्ग हेडेड रखने की उसकी कोशिश अच्छी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्षों से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, जो भी अगर आपके पास जितनी भी कोशिशें हैं आप अपनी कोशिशें पूरी करिए और आप भविष्य में ये ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं वही बने, कभी कभी दुनिया आपको कहीं से किधर भी ले जा सकती है, और अपना काम करते रहिए, जिधर भी जाना होगा आपकी लाइफ में जो लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा।